दिल्ली की सड़कों की। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त है तापमान हाई, सियासी पारा चढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त मंच पर हैं और हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लव यू टू, लव यू थ्री, लव यू फोर। आज यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगण, सभी एमएलए, सभी सांसद, सभी काउंसलर्स और आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ पे हमारी पार्टी का एक तरह से शीर्ष नेतागण मौजूद हैं, हमारे काउंसलर्स, मंत्री, एमएलएज, एमपीज और सीनियर ऑफिस बेरर्स। हमें आज यहाँ क्यों इकट्ठा होना पड़ा, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। सो उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं, कि मोदी जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए, इसके पहले कि ये पार्टी ज्यादा बढ़े और भविष्य में आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको,
इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रही हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को हजार हजार रुपए देने जा रहे हैं, हर महीने उनके खातों में हजार हजार रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।